Assalamu alaikum, dear students, today we are going to do lecture number 7 of the Database Management System course. In the lecture number 6, we concluded our discussion on the data flow diagrams. There finally we discussed the detailed DFT and how they are linked with the higher level diagrams. After that, we also discussed the second phase of the database design process, where we discuss the design phase we discussed why do we have different types of database design we also discussed the data models what is the link between data model database management system and the database design why to have different data models and what are the different types of data models at the end of our previous lecture we were about to discuss the er data model that is basically a conceptual database uh, conceptual data model today we will start our discussion on the er data model so let us start our today's lecture as we have already discussed in the previous lecture that er data model is a semantic data model that is it is a data model that provides you more constructs more tools to fit in in different situations so the advantage is when you draw, when you make a design using the ER data model, it is more explanatory, it is clearer to understand, it portrays, it models more information into the design. As you can see from here, the definition, a semantic data model used for the graphical representation of the conceptual database design. As I have told you before, k graphical symbols hain, since they have very precise meaning.

दूसरे नंबर पे एट्रीब्यूट्स और फिर रिलेशनशिप्स ये तीन इसके मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनकी मदद से हम डिफरेंट जो है वो इसके अंदर डिजाइन बनाते हैं लेकिन इसके अलावा और भी इसके अंदर चीजें हैं जो इसमें ऐड होती हैं इन सब के डिफरेंट टाइप्स हैं जो सब मिल के अपना अपना मतलब अदा करते हैं जिसको कि हम आइंदा लेक्चर्स में और इस लेक्चर में पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एंटिटी एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में मैं चाहूँगा कि आपके जहन में क्लियर कॉन्सेप्ट हों दिस इज ऑल्सो अमंग द बेसिक्स जिसके बारे में मैं हमेशा आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको उन चीज़ों के बारे में क्लियर होना चाहिए एंटिटी टर्म जो है बेसिकली वो मुख्तलिफ मौक़ों पर तीन मुख्तलिफ चीज़ें जो है उनको मतलब अदा करने के लिए इस्तेमाल होती है अब आपको ये तीनों मतलब आ जाने चाहिए मैं आपको एक्सप्लन करूँगा उसके बाद फिर यह है कि बेहतर तो यह है कि जब भी आप एक टर्म इस्तेमाल करें तो जो आपका उस वक्त मतलब होगा आप उसके लिए प्रिसाइजली वही टर्म इस्तेमाल करें लेकिन फर्ज करें वहां पर अगर एंटीटी टर्म ही इस्तेमाल हो रही है या आप खुद से एंटीटी टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं देन यू शुड हैव इन योर माइंड दैट एट दिस मोमेंट इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो और दिस पर्टिकुलर कंटेक्सट विच पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ द एंटिटी यू आर यूजिंग वट आर दोज थ्री डिफरेंट मीनिंग्स दैट वी मीन बाय द टर्म एंटिटी डेट सी देर्ट वन इज एंटिड इज एंटिटी इंस्टेंस एंड थर्ड वी से मुख्तफ औकात में मुख्तु स्नैरियोज में ये तीनों मतलब अदा कर रही होती है और एक फिक्रे को एक स्नैरियो को सही समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि इस पर्टिकुलर मौके पर एंटिटी से क्या मतलब है लेकिन अदरवाइज आई वुड रिकमेंड कि आप हर मौके पे जो एक स्पेशल टर्म है यानी इन तीनों में से जो भी आपका मतलब है आप उसी को इस्तेमाल करें लेकिन इसका यह मतलब हरगिज हरगिज नहीं है कि अगर आप सिर्फ टर्म एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसी भी मतलब के लिए तो वो गलत होगा बाय द वे मैं आपसे ये भी बता दूं कि जिस वक्त अमूमी तौर पे जब हम टर्म एंटिटी इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज जनरली मीनिंग द फर्स्ट टू मीनिंग्स यानी आमतौर पर वो एंटिटी टाइप और एंटिटी इंस्टेंस को मतलब अदा कर रही होती है दोबारा ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिक्रों को देख के या कॉन्टेक्स को देख के आप अंदाजा लगाएं इस वक्त इससे कौन सा मतलब है हम इस कोर्स के अंदर जिस वक्त हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सिर्फ एंटिटी तो उस वक्त हमारी मुराद होगा एंटिटी टाइप अगरचे बुक्स में या मुख्तफ जगहों पर पहले दोनों मतलब जो हैं वो लिए जाते हैं आइए हम देखते हैं कि इनमें से हर एक का क्या मतलब है सबसे पहले एंटिटी टाइप एंटिटी टाइप इज ए लेबल और नेम असाइन टू आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स दैट एग्जिस्ट इन एन एनवायरमेंट एंड दैट हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज इट कुड बी पर्सन प्लेस इवेंट और इवन कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स ये अब एक टेक्निकल काम है ये एक एक्सपीरियंस के साथ आपको अंदाजा होगा कि हाउ डू वी आइडेंटिफाई एंटिटी टाइप्स हाउ डू वी डिक्लेयर एंटिटी टाइप्स जब आप किसी भी जगह को जब आप किसी भी आ, सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे जितनी भी चीजें मौजूद होती हैं किसी भी जगह पर उनमें से हर चीज की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज होती हैं आप उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मिसाल के तौर पे अगर आप किसी भी इवन एक अपने बेडरूम को ही देख लें तो वहां पे आपको मुख्तफ चीजें नजर आएंगी मिसाल के तौर पे वहां पे बेड है ऑब्वियसली वहां पे कुर्सी हो सकती है वहां पे एक मेज हो सकता है इसके अलावा हो सकता है कि आपके कमरे में पंखा लगा हुआ है ए है बल्ब लगा हुआ है हो सकता है आपके कमरे में जो है वो टेलीविजन भी पड़ा हुआ हो या कोई सी प्लेयर पड़ा हुआ है इसी तरह फर्ज करें आपके कमरे में कोई तस्वीर लगाई हुई आपने मुख्तफ़ चीज़ें जो किसी कमरे में किसी बेडरूम में हो सकती हैं इसी तरह आप किसी भी जगह की किसी भी सिस्टम की एग्जांपल ले सकते हैं अब अगर आप अपने बेडरूम की बात करें तो यहाँ पे जो मुख्तफ़ चीज़ें पड़ी हुई हैं इनमें से हर चीज़ की कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ हैं मिसाल के तौर पर अगर आप बेड को देख लें तो वो एक खास मटीरियल से बना हुआ है उसका एक खास मकसद है आप कुर्सी को देखें उसका मटीरियल अपना है उसके स्ट्रक्चर अपना है उसका पर्पज इस्तेमाल करने का कुछ और है ऐसी टेबल है ऐसे बल्ब है इनमें से हर जो चीज़ है उसकी खास प्रॉपर्टीज़ हैं अब इनकी जो कॉमन जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें से जिस जिस चीज की प्रॉपर्टीज कॉमन हैं मिलती जुलती हैं एक जैसी हैं यानी जिन जिन चीजों को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं यूजिंग द सेम प्रॉपर्टीज तो मोस्ट टेंटेटिवली मोस्ट प्रोबली दो थिंग्स वुड बी बिलोंगिंग टू द सेम एंटिटी टाइप मिसाल के तौर पे हम इसे अगर बेडरूम की बात करते हैं इसमें से कुछ चीजें जिनका मैंने नाम लिया है जो कि हो सकता है आपके बेडरूम में हो उनमें से कुछ चीजों को आप कह सकेंगे कि दीज आर द फर्नीचर ऐसे ही कुछ चीजों के बारे में आप कह सकेंगे कि ये है इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट तो इस तरह से जब आप किसी भी सिस्टम को आ, को यानी आप जब ऑब्जर्व करते हैं उसको देखते हैं उसको एनालाइज करते हैं तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं उनमें कॉमन प्रॉपर्टीज नजर आती हैं उन कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे आप कहते हैं कि ये चीज़ें फलां कैटेगरी में फॉल करती हैं इनको हम ये लेबल दे देते हैं ये चीज़ें चूँकि इनमें इनकी मिलती जुलती प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए हम इनको इस कैटेगरी में फॉल कर लेते हैं और देखिए यहां पे एक बात में ध्यान रखिएगा कि द प्रॉपर्टी एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी दे आर टू डिफरेंट थिंग्स मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं कि हमने कहा कि बेड एंड चेयर अब इसमें कॉमन चीज क्या है कि वो दोनों लकड़ी की बनी हुई हैं दोनों एक ही पर्पज के लिए सीटिंग के लिए या डेडने के लिए इस्तेमाल होती हैं लेकिन वो कुर्सी है ये बेड है तो ऑल द बोथ बिलोंग टू द फर्नीचर दोनों को हम कह सकते हैं ये फर्नीचर है लेकिन चीजें वो अलग अलग हैं अगर मैं आपको इसकी एक और एग्जाम्पल दूं कि अगर फर्ज करें आप एक क्लास रूम को देखें तो क्लास रूम में किसी भी क्लास रूम में अगर आप देखें जो चीजें आपको नजर आएंगी उसमें आपको ऑब्वियसली वहां पे हो सकता है कि आपको टीचर नजर आए वहां पे रोस्ट्रम होगा वहां पे वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड होगा वहां कुर्सियाँ होंगी वहां पे स्टूडेंट्स होंगे तो इनमें जब चीजों को आप एनालाइज करें जब इनको ऑब्जर्व करें तो फिर आप जितनी भी चीजें वहां मौजूद हैं अगर आप उनकी खसूसियात को उनकी प्रॉपर्टीज को देखें तो उन प्रॉपर्टीज के बेस पे वो जो है एक दूसरे के साथ जो है वो रिलेट करती हैं या वो ये कह सकते हैं कि वो एक ही तरह की महसूस होती हैं जैसे अगर यहां पर जो ह्यूमन बींग्स हैं जो लोग हैं उनको आप कह सकते हैं दीज आर द दर्सन फिर वही बात है कि बाकी चीजें जो हैं दे कुड बी द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दे कुड बी द फर्नीचर दे कुड बी द फिक्चर्स इसी तरह से उसमें कुछ आप कह सकते हैं कि जैसे वहां पे हो सकती हैं टीचिंग एड्स है वहाँ पे वाइट बोर्ड है मार्कर है मल्टीमीडिया लगा हुआ है कंप्यूटर पड़ा हुआ वहाँ पे तो इस तरह से जब आप किसी भी इन्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं तो वहां से आप चीजों की कॉमन प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको डिफरेंट ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप को आप एक लेबल दे देते हैं दैट लेबल इज बेसिकली ए नेम ऑफ एन एंटिटी या उसको आप कह सकते हैं कि दैट इज एन एंटिटी टाइप एंटीटी टाइप को आप एक ओर और बेसिस पे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपके यूजर्स हैं वो जब आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स के अंदर से भी आप जो है वो मुख्तलिफ एंटीटी टाइप्स जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्यों क्योंकि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन हैं पिछले लेक्चर में हमने बात थी, की थी क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स की उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि आप जो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं डॉक्यूमेंट्स हैं या ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें जो डिफरेंट डाटा आइटम्स चाहिए आइट्रीब्यूट चाहिए उनका आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए टेबल बना लीजिए तो इसी तरह से जो चीज़ें इकट्ठी किसी रिपोर्ट पे आती हैं जो चीज़ें किसी इकट्ठे एक ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती हैं जो किसी डॉक्यूमेंट में इन्वॉल्व होती हैं मोस्ट लाइकली नॉट नेसेसरिली बट मोस्ट लाइकली दे कैन बी डिक्लेयर्ड दे कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए सिंगल एंटिटी टाइप या उनमें हो सकता है कि यह भी हो सकता है कि वो दो डिफरेंट एंटिटी टाइप्स हों बट दे आर सम हाउ लिंक विद एच अदर ये चीज आपको आइंदा और भी क्लियर होगी लेकिन एटलीस्ट आपको अभी यह अंदाजा हो गया कि जो हमने क्रॉस रेफरेंस टेबल बनाया था जो क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाई थी उसका आप यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज एंटीटी टाइप चाहे आप क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स बनाएं या ना बनाएं इवन देन यू कैन आइडेंटिफाई टाइप्स फ्रॉम ए फ्रॉम एन एनवायरमेंट लेट्स मूव फॉरवर्ड इनकी खास बात फिर यह भी है कि इन प्रॉपर्टीज के बेस पे उस एनवायरमेंट के अंदर जो दूसरी एंटिटी टाइप्स हैं उनसे आप इनको फर्क कर सकेंगे मिसाल के तौर पे आप किसी बल्ब को फर्नीचर नहीं कहेंगे क्यों नहीं कहेंगे क्योंकि फर्नीचर की जो प्रॉपर्टीज आप आइडेंटिफाई करते हैं फर्नीचर के साथ आपने जो प्रॉपर्टीज एसोसिएट की हैं दे आर नॉट इन द बल्ब आप एक कुर्सी को यू वॉन्ट डिक्लेयर इट एज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अनल से कोई वो इलेक्ट्रिकल चेयर ना हो अल्ला ना, ना करे आप में से किसी को इलेक्ट्रिकल चेयर देखने को मिले लेकिन बाय द वे एक आम कुर्सी जो है जो सिटिंग चेयर है यू वॉन्ट डिक्लेयर इज इट एज एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ऐसे ही एयर कंडीशन को आप ये नहीं कहेंगे कि इट इज समथिंग इन विच यू ड्रिंक वाटर इसका यूटेंसिल डिक्लेयर नहीं करेंगे इसका बर्तन नहीं कहेंगे तो इसका मतलब यह कि वेन यू फाइंड एन एंटिटी टाइप वेन यू डिक्लेयर वेन यू डिक्लेयर एन एंटिटी टाइप उसमें आप फर्क कर सकेंगे उसको दूसरी एंटिटी टाइप से किस बेसिस पे बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज एंटिटी टाइप्स आर आइडेंटिफाइड थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन एक ऐसी टर्म है जिसको मुख्तु जगहों पर मुख्त तरीके से डिफाइन किया जाता है लेकिन इस वक्त आप ये जो हम इस सैनारी में जो हम इसको डिफाइन करते हैं समझते हैं वो ये है कि इट्स एन थिंकिंग प्रोसेस इट्स एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस जिसके जरिए कि आप चीज़ों को सेपरेट करते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं या चीज़ों की कॉमन प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करते हैं दोबारा दी एब्सट्रैक्शन इज ए थिंकिंग प्रोसेस एंड एनालिस प्रोसेस इन विच यू आइडेंटिफाई द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द थिंग्स दैट एग्जिस्ट विद इन एन एनवायरमेंट तो जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि आपको जो एंटिटी टाइप आइडेंटिफाई करेंगे अगर तो आपके पास कोई टूल है चाहे वो डाटा डिक्शनरी है चाहे आपके पास क्रॉस रेफरेंस मैट्रिक्स है दैट कैन हेल्प यू दैट कैन वर्क एज एन एट और दूसरी तरफ योर एब्सट्रेक्शन प्रोसेस और ये जो एब्सट्रेक्शन प्रोसेस है ये इट इट रिलेट्स टू योर थिंकिंग एबिलिटी और दूसरी बात है एक्सपीरियंस यानी इनिशियली हो सकता है कि आपको एंटेटी टाइप्स आइडेंटिफाई करने में किसी जगह पे या प्रॉपर एंटेटी टाइप्स आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा इसमें डाटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस में हो सकता है कि बाद में आप इसको ज्यादा बेहतर तरीके से या आसानी से कर सकेंगे और इसमें जाहिर है एक और फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है कि इफ यू हैव गॉट एक्सपीरियंस ऑन वर्किंग ऑन द सेम टाइप ऑफ सिस्टम एक दफा दो दफा फर्ज करें आपने बैंकिंग सिस्टम पे दो तीन दफा काम कर लिया तो ये मत ये मत सोचेगा कभी भी कि सेम जो आपका डिजाइन है ये सेम वो काम कर जाएगा लेकिन जो आपका एबस्ट्रेक्शन प्रोसेस है दैट विल बिकम ईजियर क्योंकि आपने उस तरह के एन्वायरमेंट में उस तरह की चीजों में पहले काम किया हुआ है या उस एनवायरमेंट की एंटिटी टाइप्स को आपने पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ है आइए आगे चलते हैं ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट

टू द सिस्टम और एक्सेप्ट डाटा फ्राम दिस्टम उसको अब कहते हैं दैट इज़ एन एक्सटर्नल एंडिटी और एंडिटी इन द डी एफ डी और यहाँ पर हम इसे ये कहते हैं एंडिटी टाइप को या एंटिटी को कि जो अपनी प्रॉपर्टीज के बेस पर एक सिस्टम के अंदर एक एन्वायरमेंट में एक डिस्टिंगशेबल चीज़ है उससे हम कहते हैं एंडिटी टाइप या एंटिटी अब इतफाक से इसमें एक जो और चीज़ कन्फ्यूजिंग है वो ये है कि दोनों के जो सिम्बल्स हैं रिप्रेजेंट करने के ग्राफिकल वो भी सेम है बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द रेक्टेंगल्स लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि इनकी डेफिनेशन ही इनका फर्क बताती है अब आपके पास डी में कोई भी चीज जो कि डाटा लेती है या देती है सिस्टम को वो है एक्सटर्नल एंटिटी उसमें एक चीज है कि अगर फर्ज करें कोई एक सिंगल भी चीज है यानी ऐसी ऐसा लट्स से ऐसा कोई आदमी है ऐसी कोई चीज है जो कि एक, एक एग्जिस्ट कर रही है उस एनवायरमेंट के अंदर मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं बैंक की कि बैंक में जो मैनेजर है वो एक चीज है वो एक वो सिंगल पर्सन है उसकी सिंगल एग्जिस्टेंस है उस एन्वायरमेंट में लेकिन अगर वो बैंकिंग सिस्टम के अंदर मुख्तफ जगहों पे डाटा या तो एक्सेप्ट कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है और ऑब्वियसली वो करता है तो वो वहाँ पे रिप्रेजेंट होगी ऐसे अगर आप बात करें लाइब्रेरियन कि, किसी लाइब्रेरी सिस्टम की तो वहाँ पे जो लाइब्रेरियन है वो वहाँ पे एक सिंगल चीज़ है इसी तरह अगर आप बात करें एक यूनिवर्सिटी की तो वहाँ पे जो वीसी सी हैं वहाँ पर जो रजिस्ट्रार हैं वो उसका सिंगल स्टेंस है वो एक चीज़ है एक शख्स है उस एनवायरमेंट के अंदर लेकिन अगर वो डाटा प्रोड्यूस कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं किसी भी सिस्टम के अंदर तो वो रिप्रेजेंट होंगे आपकी डीएफडी के अंदर इसके बरक्स अगर आप बात करते हैं ई आर डाटा मॉडल की या जब आप कोई बेस डिजाइन कर रहे हैं यूजिंग ई आर डाटा मॉडल या आपका जो कंसेप्चुअल डाटाबेस डिजाइन है उसमें आप उन एंटिटीज को उन एंटिटी टाइप्स को शो नहीं करेंगे जिनकी सिंगल इंस्टेंस है इसका मतलब यह हुआ इफ यू आर डिवेलपिंग ए बैंकिंग सिस्टम यू वॉन्ट जनरली रिप्रेजेंट द मैनेजर इफ यू आर डिवेलपिंग ए लाइब्रेरी सिस्टम यू वांट रिप्रेजेंट द लाइब्रेरियन इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग ए यूनिवर्सिटी सिस्टम उसमें आप वी सी की जो एंटिटी टाइप है वो शो नहीं करेंगे उस उसमें जो रजिस्ट्रार है उसकी एंटिटी टाइप आप शो नहीं करेंगे क्यों क्योंकि उसमें इंस्टेंस जो है जो उसमें डाटा जाएगा वो एक है सिंगल रिकॉर्ड है और आप ऐसी चीजों का जो डाटा है जो ऐसी चीजों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अपने ई ER डाटा मॉडल को यूज करते हुए अपना जो कंसेप्चुअल डाटा डिज़ाइन है उसमें नहीं करेंगे जबकि इसके बरक्स वो चीजें जरूर रिप्रेजेंट होंगी आपकी डी में देखें जो डी डी है वो आपको एक बेसिस जरूर प्रोवाइड करती है कि जिससे आप एंटी टाइप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब ये बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी जो डी की बहुत सी जो एंटिटीज है जिनको आप वहां पर कह रहे थे एक्सटर्नल एंटिटीज वो वहां से आप वही की वही आप ले आगे अपने जो कंसेप्टिव डेटाबेस डिजाइन है या जिसको आप बना रहे हैं यूजिंग द ईआर आर डाटा मॉडल लेकिन ये हरगिज हरगिज जरूरी नहीं है कि जो भी वहां पे एक्सटर्नल एंटिटीज हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी आपके ईआर आर डाटाबेस डिजाइन में अब हम देखते हैं कि व्हाट इज एंटिटी इंस्टेंस एंड एंटिटी सेट व डिसकस द एंटिटी टाइप एंटिटी इंस्टेंस को यू डिफाइन करते हैं कि अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप मिसाल के तौर पर हमने किसी जगह पर किसी फैक्ट्री में किसी ऑफिस में किसी बिजनेस में इफ यू आइडेंटिफाइड एन एंटिटी टाइप एम्प्लॉय क्योंकि वहां पर हमने जो चीजें देखी जो लोग देखे उनमें जो काफी सारे लोग थे उनकी जो कॉमन प्रॉपर्टीज थी उनकी बेस पे हमने कहा कि यहां पर एक एंटेटी टाइप एग्जिस्ट करती है जो कि है एम्प्लॉय अब उस एंटी टाइप का से ताल्लुक रखने वाली कोई भी एक चीज़ जो है वो कहलाएगी उसका एक इंस्टेंस मिसाल के तौर पे ये देखिए जैसे हमने कहा कि एंटिटी इंस्टेंस मोहम्मद शरीफ कोई भी एक एम्प्लॉई है उसका नाम है और बाकी उसकी तमाम जो उसका जो डाटा है वो सारा जो है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी टाइप एंटिटी टाइप ने प्रॉपर्टीज के बेस पे एक कैटेगरी डिफाइन की टाइप डिफाइन की और उसके बाद वो कोई भी चीज जो कि उन प्रॉपर्टीज को रखती है वैल्यू उसकी कुछ भी हो देखे ना जैसे हमने कहा था कि एंटीटी टाइप हमने कहा पर्सन उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि उसका नेम है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उसकी क्वालिफिकेशन है उसकी सेक्स है डेट ऑफ बर्थ है ये तमाम प्रॉपर्टीज हमने आइडेंटिफाई की और इनके बेसिस पे हमने कहा कि हमारे पास एंटिटी टाइप है एम्प्लॉय अब वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज हैं अब जाहिर है कि हर एम्प्लॉय का अपना नाम होगा अपनी डेट ऑफ बर्थ होगी अपना क्वालिफिकेशन होगी डेट ऑफ जॉइनिंग होगी वो वैल्यूज जो हैं उन प्रॉपर्टीज की हर एक ही अपनी अपनी होंगी लेकिन उनमें से हर एक जो है इंडिविजुअली दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी टाइप एम्प्लॉय फिर है एंटिटी सेट वो जो इंस्टेंसेज हैं सारे जो कि एक पर्टिकुलर एंटिटी टाइप से बिलोंग करते हैं उनको अगर हम ज्वाइंटली देखें तो दैट विल डिक्लेयर एज एन एंटिटी सेट तो इसका मतलब यह है कि अगर एक, एक, एक फैक्ट्री के अंदर एक बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ज्वाइंटली हम उन्हें कहेंगे दिस इज एन एंटिटी सेट उसमें मेंबर्स चाहे एक हो चाहे दो हो चाहे दस हो चाहे हजार हो चाहे लाख हो जितने मर्जी मेंबर्स हो ज्वाइंटली हम उन्हें कहेंगे एंटिटी सेट अभी तक हमने ये एक्सप्लेन किया है कि वट आर द डिफरेंट मीनिंग्स इन विच वी यूज द टर्म एंटिटी एंटिटी टाइप एंटीटी इंस्टेंस एंड एंटिटी सेट आई होप दीज टर्म्स आर नाउ क्लियर टू यू अब और दोबारा मैं वही बात दोहराऊंगा कि आप जब भी टर्म इस्तेमाल करें बेहतर है टर्म करें। लेकिन अगर आप एंटिटी भी इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इससे इस वक्त आपका मतलब क्या है आइए आगे, आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ एंटिटी टाइप्स यानी आपने ये तो कह दिया कि एंटीटी टाइप क्या है कि हमने चीजों को प्रॉपर्टीज के बेस पे एक नाम दे दिया कि ये फ्ला एंटिटी टाइप है लेकिन ईआर ER डाटा के ईआर डाटा मॉडल के अंदर डिफरेंट तरह की एंटिटी टाइप्स हैं आइए देखें वो कौन कौन सी हैं इनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं एक हम कहते हैं स्ट्रोंग या इंडिपेंडेंट या रेगुलर एंटिटी टाइप्स और दूसरी है वीक या डिपेंडेंट एंटीटी टाइप्स इन दोनों में क्या फर्क है अगली स्लाइड पर चलते हैं आम जिंदगी के असूल के बरक्स हम पहले वीक को डिस्कस करने जा रहे हैं अब यह देखिए अब थोड़ा सा यहां पर अब आप, आपको मजीद बात टेक्निकल हो गई है कि एक ऐसी एंटीटी टाइप जिसका इंस्टेंस एक सिस्टम के अंदर एक एन्वायरमेंट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी और एंटिटी टाइप के इंस्टेंस से लिंक ना हो उसे हम कहेंगे कि ये एक वीक एंटिटी टाइप है या ये एक डिपेंडेंट एंटिटी टाइप है इसका मतलब यह हुआ कि उस एंटिटी टाइप के जो इंस्टेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते इसके बरक्स ऐसी एंटिटी टाइप्स जिनके इंस्टेंसेस जो हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं विदाउट बींग लिंक्ड टू द इंस्टेंस ऑफ एनी अदर एंटिटी टाइप उन्हें हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप या इंडिपेंडेंट या रेगुलर एंटिटी टाइप अब स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की और वीक एंटिटी टाइप की मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि हमारे पास एक फैक्ट्री है उसके अंदर हमारे पास एंप्लॉयज है वहां पे फैक्ट्री का एक रूल ये है कि वो जो उसके किसी भी एंप्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं जो उसके अहलो याल हैं जो उसके मां बाप जो भी उस पर डिपेंड कर रहे हैं उनका भी डेटा स्टोर कर रहे हैं अब जाहिर है कि अगर आप यह कहते हैं कि हमने किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स के बारे में डाटा स्टोर करना है तो डिपेंडेंट्स कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एम्प्लॉय क्यों कि जब तक आप डिपेंडेंट को लिंक नहीं करेंगे कि किसी एम्प्लॉय के साथ तब तक वहां डिपेंडेंट्स कैसे आ सकते हैं यानी अगर आप इसको यू भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस का जो लिंक है किसी भी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट के साथ दैट इज थ्रू द एम्प्लॉय अगर एक एम्प्लॉय होगा तो उसके डिपेंडेंट होंगे इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप कहें जी के डिपेंडेंट्स तो हैं पर ये किसके डिपेंडेंट हैं वो बंदा हमारा एम्प्लॉय नहीं है द बिजनेस वुड हैव नो कंसर्न विद डिपेंडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि यू कैन नॉट पुट द इंस्टेंसिस यू कैन नॉट थिंक ऑफ द इंस्टेंसिस ऑफ द वीक एंटिटी टाइप जब तक के उनका ताल्लुक ना हो वो लिंक ना हो सके वो सम हो एसोसिएट ना हो सके किसी स्ट्रोंग या किसी और एंटिटी टाइप के इंस्टेंसेस के साथ जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी है डिपेंडेंट्स की और एम्प्लॉय की इसके बरस हो सकता है कुछ एंटिटी टाइप ऐसी जैसे एम्प्लॉय है अब एम्प्लॉय जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है मतलब अगर देखें अगर किसी एम्प्लॉय के डिपेंडेंट्स ना हो इज ऑल ए लोन या उसके अगर फर्ज के पेरेंट्स हैं तो उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो हमारे पास एम्प्लॉय तो है पर उसके डिपेंडेंट नहीं है लेकिन ये नहीं हो सकता हो। तो ये है वीक एंटिटी टाइप की और स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप की एक और जो इसमें टेक्निकल बात है जो कि शायद आपको आगे जाके ज्यादा क्लियर हो के जो स्ट्रोंग एंटिटी टाइप्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है यानी उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उनकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हो, होती हैं कि जिनके बेस पे आप उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो आपकी वीक एंटिटी टाइप्स हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी नहीं होती और उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यू हैव टू फाइंड यू हैव टू इट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है ये डिपेंडेंट और एम्प्लॉय की कि अगर आपने एक पर्टिकुलर डिपेंडेंट को आइडेंटिफाई करना है तो आपको लिंक करना होगा इसको ये किस एम्प्लॉय के साथ लिंक है तो उसके लिए आपको वो जो एम्प्लॉय है जिसपे वो डिपेंडेंट है उसकी आइडेंटिटी के साथ इनको लिंक करना पड़ेगा तो ये भी एक फर्क है स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप में और वीक एंटिटी टाइप में दीज आर द नेमिंग कन्वेंशन फॉर दी टाइप्स एंड माइंड इट

और एक बात अहन रखिएगा कि आपने जो इसमें नाम इस्तेमाल करने हैं वो अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक इस्तेमाल नहीं करने बल्कि यू हैव टू सी द कन्वेंशन एट द ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे क्या इस्तेमाल हो रहा है यानी आप एक जिस चीज़ को कस्टमर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके लिए जो कॉमन टर्म इस्तेमाल हो रही है वो क्लाइंट है अब कहने को दोनों ठीक हैं आप क्लाइंट को कस्टमर भी कह सकते हैं लेकिन रिकमेंडेड यह है कि आप वही टर्नोलॉजी इस्तेमाल करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल कर रहे हैं उसका फायदा क्या होगा उसका फायदा ये होगा कि जब आप डिस्कस कर रहे हैं अपनी डिज़ाइन को या डाग्राम को या जनरल सनेरी डिस्कस कर रहे हैं तो आप वही टर्मनोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो यूज़र उसको जल्दी से पिक कर लेगा उसको सही तरह से आसानी से समझ सकेगा टर्मनोलॉजी चेंज करते हैं तो हो सकता है यूज़र को रिलेट करने में उससे दुशारी हो रिकमेंडेड है कि आप इसको जो नाम लिखें इसको एंटीटी टाइप का वो कैपिटल लेटर में लिखें बाज़ दफ़ा आप देखेंगे कि बाज़ लोग मिक्स में या लोअर में भी लिखते हैं लेकिन रिकमेंडेड ये है कि कैपिटल में लिखें बाज़ दफ़ा एवरीवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर किसी एंटिटी टाइप का नाम बहुत बड़ा है तो आप अगर किसी का डायग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे वो नाम सही तरह फिट नहीं आ रहा तो आप उसको एव्रिवेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं पर एक बात याद रखिएगा कि इसमें यू हैव टू बी कंसिस्टेंट यानी अगर फर्ज करें आप एम्प्लॉय को ईएमपी कर देते हैं या स्टूडेंट को एसटीडी कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन को आरईजी कर देते हैं तो फिर आप यही टर्मनोलॉजी इस्तेमाल कीजिए हर जगह डिजाइन में ऐसा ना हो कि आप एक जगह तो कुछ और इस्तेमाल कर लें और दूसरी जगह कुछ और इसलिए कि इफ यू गैट डिफरेंट स्पेलिंग्स ऑफ द थिंग्स तो हो सकता है कि वो उससे मुख्तफ चीज़ें बन जाए हालांकि आपका मतलब था एक ही चीज़ लेकिन वो दो मुख्तफ चीज़ें बन जाएंगी अभी तक आपने देखा था कि वट आर द स्ट्रॉग एंटीटी टाइप्स एंड वट आर द वीक एंटीटी टाइप्स अब चूंकि हमने बात की है कि जो आपका ई आर डाटा मॉडल है वो है ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इट कंसिस्ट ऑफ द सिम्बल्स अब आपके सामने जो इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये दो मुख्तफ सिम्बल्स हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं स्ट्रांग एंटिटी टाइप के लिए और वीक एंटिटी टाइप के लिए फ़र्क इनमें यही है कि जो स्ट्रॉग एंटिटी टाइप है उसके लिए आप सॉलिड लाइन इस्तेमाल करते हैं और जो आपकी वीक टाइप है उसके लिए भी सॉलिड लाइन है बट डबल लाइन है सो so, जो कमजोर है उसको आप मजीद ताकत देने के लिए उसको दो लाइनों में बंद कर देते हैं दरमियान में जैसे आप कोई हम नजर आ रहा है कि नेम इस नेम से हम बता दिए हियर यू विल राइट द नेम ऑफ द एंटिटी टाइप दैट यू हैव टू इट फॉर एग्जाम्पल ये देखिए आपके सामने जैसे आप कह रहे हैं एम्प्लॉय और डिपेंडेंट्स इनके दरमियान में जो लाइन है बेसिकली ये दोनों को आपस में लिंक कर रही है अभी ये हमने लाइन जो है वो सही तरह से ड्रॉ नहीं की हुई इसकी ड्राइंग के अपने रूल्स हैं जिनको हम बाद में पढ़ेंगे लेकिन फिलहाल सिर्फ आप इसे तो समझ लीजिए कि इस जो डायग्राम है इससे ये जाहिर हो रहा है कि एम्प्लॉय जो है वो लिंक्ड है डिपेंडेंट के साथ एक बात दूसरी बात यह है कि एम्प्लॉय इज ए स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप और जो डिपेंडेंट्स हैं दैट इज ए वीक एंटिटी टाइप और यही ब्यूटी है आपके पास जो एक आपके पास सीमेंटिक डाटा मॉडल है कि आप देखिए कि कुछ थोड़े से सिंबल्स के साथ आपने इसमें काफ़ी मतलब अदा कर दिए हैं जो कि अदरवाइज डिस्क्राइब करने के लिए हो सकता है कि आपको पैराग्राफ चाहिए हो या ज़्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए हो जैसे एक और है फर्स्ट करें जैसे लाइब्रेरी है वहाँ पर आपके पास बुक्स हैं लेकिन एक बुक की मल्टीपल कॉपीज हैं तो उसमें आप ये है कि आप चाहेंगे कि हम बुक के बारे में डाटा अलग से स्टोर करें और कॉपीज के बारे में अलग से ऐसा हम क्यों करते हैं हो सकता है इसका मतलब आपको अभी इतना समझ ना आए लेकिन फिलहाल आप यही सोच लीजिए कि जैसे ये जो आपको फिगर शो कर रही है इस वक्त वो ये शो कर रही है कि बुक जो है वो एक इंडिपेंडेंट एंटिटी टाइप है और जाहिर है कि जो बुक कॉपी है यानी एक बुक की कॉपी है वो एक भी हो सकती है दस भी हो सकती हैं बीस भी हो सकती हैं इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं तो बुक की कॉपी का कि उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता कि जब तक हम एक बुक को जिक्र ना करें तो इसी तरह यहाँ पर यह चीज़ शो हो रही है द बुक Copy entity type is a weak entity type and the book is a strong entity type. आइए आगे, आगे चलते हैं एट्रीब्यूट इज द अदर कंस्ट्रक्ट दैट इज प्रोवाइडेड इन ER data मॉडल एट्रीब्यूट बेसिकली एक entity टाइप की प्रॉपर्टी को जाहिर करता है हमने पहले ही बात की थी कि जब आप एक एंटिटी टाइप को आइडेंटिफाई करते हैं तो दैट यू आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एंटिटी टाइप ये जो प्रॉपर्टीज हैं एंटिटी टाइप की इनको आप रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट की वजह से यानी एट्रीब्यूट वो टर्म है जो कि प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट इस्तेमाल होती है डेटाबेस वर्ल्ड uh, में या खास तौर पे ईआर डाटा मॉडल की लैंग्वेज uh, में तो एंड से जब भी हम बात करें एट्रीब्यूट इसका मतलब है कि द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर एंटिटी टाइप मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि एम्प्लॉय uh, है हमारे पास एंटिटी टाइप उसकी एक प्रॉपर्टी उसका एक नाम है तो हम इसको अपनी डाटा मॉडल के लैंग्वेज में यू कहेंगे कि द एंटिटी टाइप एम्प्लॉय हैज गॉट एन एट्रीब्यूट नेम ऐसे हम कहें कि एक एम्प्लॉय की प्रॉपर्टी है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है तो हम उसको यूं कहेंगे द एंटिटी टाइप एम्प्लॉय हैज गॉट एन एट्रीब्यूट नेम्ड डेट ऑफ बर्थ एंड इस तरह से इसकी और एग्जाम्पल भी हो सकती है इसके अलावा इसमें जो एक और बात ये कही गई है कि आपने पहले डिफाइन किया एंटिटी टाइप को फिर आप उसके बाद ये करेंगे कि आप उस टाइप के साथ डिफरेंट एसोसिएट करेंगे जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल्स दी हैं अब ये होगा कि अब उस एंटिटी टाइप के जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उन सब पे वो एट्रीब्यूट एप्लीकेबल होंगे यानी जब आप कहते हैं कि एम्प्लॉय है उसका नेम है फादर नेम है एड्रेस है डेट ऑफ बर्थ है सेक्स है मैरिज डेट है जॉइनिंग डेट है एक्सपीरियंस है ऑल दीज आर एट्रीब्यूट ऑफ द एंटी टाइप एम्प्लॉय अब जब आपने दफा ये दोनों चीजें डिफाइन कर ली कि ये यह टाइप ये उसके एट्रीब्यूट अब उसके बाद इस एंटिटी टाइप के जितने भी इंस्टेंसेस होंगे उन सब के साथ ये एट्रीब्यूट एसोसिएटेड होंगे फर्क ये होगा कि इंस्टेंसेस के केस में इन एट्रीब्यूट की वैल्यूज होंगी यानी आपने आइडेंटिफाई किया टाइप उसके एट्रीब्यूट्स जब इंस्टेंस आएगा तो वो इन तमाम एट्रीब्यूट्स के अगेंस्ट जो है वो कोई ना कोई वैल्यू लेगा और यूं वो एक पूरा इंस्टेंस बन जाएगा डोमेन ऑफ एन एट्रीब्यूट इससे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जब हम एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करते हैं जब उसे डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हम उसको एक नाम देंगे यानी जैसे एंटिटी टाइप का एक नाम होता है वैसे जाहिर है कि एट्रीब्यूट का नाम होगा इस प्रॉपर्टी का नाम होगा जैसे हमने कहा नेम डेट ऑफ बर्थ दीज आर बेसिकली द नेम्स ऑफ द एट्रीब्यूट दूसरी बात यह है कि हर एट्रीब्यूट का एक डोमेन होगा डोमेन से क्या मतलब है डोमेन मींस सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट यानी जब आपने एक एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई कर लिया किसी एंटिटी टाइप के अगेंस्ट तो उसके बाद जब आप उस एंटिटी टाइप के इंस्टेंस लेंगे मुख्तलिफ तो हर इंस्टेंस की जो उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में जो वैल्यू होगी वह वैल्यू कहां से आएगी वो क्या सेट ऑफ वैल्यूज है कि जहां से पॉसिबली एक इंस्टेंस उस एट्रीब्यूट की वैल्यू लेगा यह एक बहुत मुफीद चीज है दिस इज ए सॉर्ट ऑफ चेक ऑन द वैल्यू ऑफ द एट्रीब्यूट मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि एज एज आपका एक एट्रीब्यूट है अब सवाल यह है कि अगर हमारे पास दस से दस हजार एम्प्लॉयज हैं उनमें से हर एक का एट्रीब्यूट है एज उसकी वैल्यू कहां से आएगी वो क्या सेट ऑफ वैल्यूज है जहां से ये एज वैल्यू ले सकता है आप मुझे ये बताइए क्या आप सोच सकते हैं कि एक्स वाई जेड इज ए वेलिज वैलिड एज वैल्यू नो एक्स वाई जेड का कोई मतलब नहीं है कि जिसे आप कहें कि आ, ये आ, एज की प्रॉपर वैल्यू है हो सकती है वो एक अलग बात है कैसे डाटा बेस वर्ल्ड में काफ़ी अमेजिंग चीजें भी हो जाती हैं लेकिन अदरवाइज नॉर्मली अगर आप देखें तो एक्स वाई जेड या ए बी सी या स्टार डैश डॉलर दीज आर नॉट द वैलिड वैल्यूज फॉर द एज एट्रीब्यूट तो डोमेन से मतलब ये होता है कि आप एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई करने के बाद एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के बाद आप उसके साथ एक डोमेन एसोसिएट कर देते हैं जब डोमेन एसोसिएट हो जाता है तो एक लिहाज से उस एट्रीब्यूट के ऊपर ये चेक लग जाता है कि इसकी जो वैल्यू है वो इन वैल्यूज में से इन पॉसिबल वैल्यू में से कोई एक हो सकती है जैसे फर्ज करें आप सैलरी कहते हैं किसी की तो सैलरी में आपने कहा कि इसकी वैल्यू क्या होगी अब सैलरी जो है वो से अगर आप कहें कि असलम हुसैन अब असलम हुसैन नॉट ए प्रॉपर वैल्यू फॉर द सैलरी जाहिर है कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो कि फिगर हो सकती है तो इस तरीके से आप जब कहेंगे कि भाई इसकी जो सैलरी एट्रीब्यूट है इसकी वैल्यू जो है वो नंबर में से होनी चाहिए और डोमेन जो है वो आपको एक एडिशनल ब्यूटी ये भी देता है कि उसके जरिए आप उसकी बाउंड्री का चेक भी लगा सकते हैं यानी मिसाल के तौर पे अगर फर्ज करें हम कहते हैं कि हमारा बिजली का या गैस का बिल है उसमें कि एक महीने हमारा बिल कितना आता है पहली बात तो हमने कह दी वो नंबर होगा लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि, कि किसी का बिल जो है वो माइनस टू थाउजेंड आ जाए बिजली इस्तेमाल करने पे उल्टा पैसे दे, रहा कि पैसे दे आप, बहुत आपने हमारी बिजली इस्तेमाल मतलब है कि में जो वैल्यू है बिल के की, वो एक लीगल वैल्यू नहीं है तो आपने डोमेन एसोसिएट किया कहा नंबर है साथ ही डोमेन के साथ एक और चेक भी लगा दिया इसके साथ नॉट बी नेगेटिव यानी वो हमेशा पॉजिटिव होगा ताकि हमने वाबडा को कुछ पे करना है कि हमने अपना बिजनेस मार किया जब आपने कहा कि हमारे पास एक एंट्री टाइप है उसके इंस्टेंसेस जो हैं वो मिलके कहलाते हैं एंट्री सेट तो वो तमाम इंस्टेंसेस जो हैं एक एट्रीब्यूट के अगेंस्ट जब आपने उसका डोमेन डिफाइन कर दिया तो उस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो असाइन होगी तमाम इंस्टेंसेस को वो एक ही डोमेन से मिलेगी इसका मतलब है कि अगर आपने कह दिया कि एज जो है वो नंबर होगा तो अब उसके बाद आप उस एंटिटी सेट के अगेंस्ट बेशक हजारों लाखों इंस्टेंसेस ऐड कर लें तमाम के अंदर जो आपका एट्रीब्यूट एज होगा उसकी वैल्यू उसी डोमेन से आएगी जो डोमेन आपने उस एट्रीब्यूट के साथ डिफाइन करते हुए एसोसिएट कर दिया इसका मतलब यह भी है कि जब आप किसी एंटिटी टाइप के एक किसी एट्रीब्यूट के डोमेन फिक्स करते हैं यू हैव टू बी केयरफुल आपको यह सोचना चाहिए कि इस एट्रीब्यूट की क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं दिस कैन ऑल्सो कॉज ए सीरियस प्रॉब्लम मिसाल के तौर पर अगर आपने कह दिया किसी को के एक एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू फर्ज का हम बिल की बात करते हैं या सैलरी की बात करते हैं आपने उस पर एक चेक लगाने के लिए कह दिया कि इसमें चार डिजिट से बढ़ के कोई बड़ी वैल्यू आ नहीं सकती अब आपने ये डिफाइन करते यू बी अबिट केयरलेस ना आपने डिफाइन कर दिया लेकिन आपने ये रियलाइज नहीं किया कि मे बी सम एक्सेप्शन केस में ये सैलरी के बिल की जो वैल्यू है वो चार डिजिट से बढ़ भी सकती है तो जब वो सिचुएशन आएगी तो आपका जो डाटा बेस है या वो जो आपका वो एंटिटी टाइप है वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर सकेगा दो केसेस हो सकते हैं एक केस तो ये है कि आप वो आपको एरर दे देगा अगर एरर दे दे तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आप उसका हल कर लेंगे लेकिन ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि वो आपको एरर मैसेज ना दे और वो कोई अनप्रडिक्टेबल से एक्टिविटी कर दे जो कि हो सकता है बहुत अरसे तक आपको डायरेक्ट ना हो एंड दिस इज वेरी डेंजरस इन ए वर्किंग एन्वायरमेंट कि आपके सिस्टम में कोई एरर है लेकिन वो डिटेक्ट नहीं हो रहा और क्योंकि वो किसी बहुत ही सीरियस प्लेस पे आके डिटेक्ट हो सकता है जबकि वो अच्छा भला नुकसान कर चुका तो आई होप कि आपने डोमेन की जो इंपॉर्टेंस है उसको रियलाइज कर लिया होगा डियर स्टूडेंट्स अभी आपके सामने जो स्लाइड इस वक्त नजर आ रही है इसमें आप देख रहे हैं कि आपके सामने एट्रीब्यूट की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो दिखाई गई हैं जो कि हम ई आर डाटा मॉडल के अंदर इस्तेमाल करते हैं इनमें से पहले कैटेगरी है सिंगल वर्सेस कंपोजिट इससे क्या मुराद है इससे मुराद ये है कि जब आप अपना डाटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो बाज़ एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को एज अ सिंगल थिंग एज अ सिंगल वैल्यू आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं यानी कि उनकी वैल्यू एक चीज़ पर सिंगल चीज़ पर मुश्तमिल होती है जबकि बाद एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जो कि और एट्रीब्यूट से और कंपोनेंट से मिल बनते हैं उनको हम कहते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट्स मिसाल के तौर पर जैसे एज है डेट ऑफ बर्थ है इनको आप कहेंगे ये सिंगल एट्रीब्यूट्स हैं क्योंकि इसमें एक ही वैल्यू है इसमें सिंगल चीज़ जो है वो शामिल है लेकिन जैसे एड्रेस है एड्रेस में आप कहेंगे कि एड्रेस हमारे पास एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसमें मुख्तलिफ आगे से और एट्रीब्यूट शामिल हैं इसके और कंपोनेंट्स हैं मिसाल के तौर पे आप कहेंगे एड्रेस में स्ट्रीट नंबर है हाउस नंबर है सेक्टर है सिटी है प्रोविंस है और कंट्री भी हो सकता है तो ये तमाम चीजें मिलके दे फॉर्म ए सिंगल एट्रीब्यूट कॉल्ड द एड्रेस नाउ दीज एट्रीब्यूट दैट जॉइंटली मेक द एड्रेस एट्रीब्यूट दे विल बी कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ दिस एट्रीब्यूट द एड्रेस और जो एड्रेस है दिस विल रिकॉर्ड ए कंपोजिट एट्रीब्यूट यहां पर एक दफा फिर मैं आपसे कहूंगा कि देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल किस चीज को आप मॉडल करेंगे एज ए सिंगल एट्रीब्यूट और किस को एज मल्टी वैल्यूट डिपेंड्स अपॉन योर सिस्टम वहां पर रिक्वायरमेंट क्या निकलती है जैसे आपको याद होगा कि हमने एक जब एक दफा हमने एग्जाम्पल की थी कि जिसमें हमारे पास एक यूजर था वो नाम को देख रहा था एज फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम तो अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ज्यादातर जो लोग हैं वो उसको ब्रेकअप में देखते हैं तो इवन आप नेम को भी यू डिफाइन कर सकते हैं कि नेम इट कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट नेम लास्ट नेम जैसे मैंने आपको एड्रेस एग्जाम्पल दी है अगर आपके पास रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो ज़्यादातर आपकी एप्लीकेशन है जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें एड्रेस जो है वो एज ए सिंगल चीज़ देखी जाती है कि भाई ठीक है फलां का एड्रेस क्या है एम्प्लॉय का क्या एड्रेस है स्टूडेंट का क्या एड्रेस है उस केस बजाय इसके कि आप इसको एक कंपोजिट एट्रीब्यूट के तौर पर मॉडल करें आपको क्या जरूरत है कि आप एक्स्ट्रा उस पर एफर्ट करें कि आप उसको ब्रेकअप करें बल्कि आप क्या करें उसको आप सिंगल स्ट्रिंग के तौर पे एक टेक्स्ट के तौर पे स्टोर करें जिसमें लिखा जाएगा कि लेट से हाउस नंबर एट टू स्ट्रीट नंबर थर्टी थ्री सेक्टर जी सिक्स वन इस्लामाबाद पाकिस्तान तो ये सारा एक ही चीज के तौर पे आ जाएगा इस केस में इवन एड्रेस जो है दैट इज बिंग मॉडर्ड एज ए सिंगल एट्रीब्यूट लेकिन अगर आपकी एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि उनको अलग अलग चाहिए कि हाउस नंबर क्या है स्ट्रीट नंबर क्या है तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आप उसको ये कर लेंगे कि आप उसको एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट स्टोर करेंगे फायदा क्या उसका फायदा उसको यह है कि आपको जितनी भी चीजें एप्लीकेशन में अलग अलग चाहिए वो आपके डेटाबेस डिजाइन में मौजूद होंगी यहां पे एक और चीज भी यह है कि फर्ज करें कि आपके पास ऐसी पच्चीस एप्लीकेशन हैं जो कि एड्रेस को इस्तेमाल करती हैं। अब बात यह है कि उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि एड्रेस को एज ए होल लेती हैं कुछ ऐसे एप्लीकेशन हैं जो कि एड्रेस को अलग अलग लेती हैं अब आप चाहे एड्रेस को एज ए सिंगल एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें चाहे एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट इस्तेमाल करें आप दोनों एप्लीकेशन को जस्टिफाई कर सकते हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए सवाल यह पैदा होता है आप ये देखेंगे कि ज्यादा रिक्वायरमेंट्स किस चीज की है मिसाल के तौर पे 25 में से 24 एप्लीकेशन ऐसी हैं कि जो एड्रेस को ऐसा सिंगल चीज देखती हैं तो फिर आप क्या करेंगे अगर एक एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप ओवरवर्क कर लेंगे आप क्या करेंगे कि जब उस एप्लीकेशन के लिए आप इस एड्रेस को एनालाइज करके इसको ब्रेकअप कर लेंगे और उसको यू दिखा देंगे अलग अलग करके लेकिन जो बाकी पच्चीस हैं जो बाकी चौबीस हैं उसके लिए आप एड्रेस को पकड़ेंगे उनको दिखा देंगे अगर आप इस सिचुएशन में एड्रेस को ब्रेकअप करते हैं यानी उसको आप हाउस नंबर वगैरह में ब्रेकअप करते हैं एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट तो फिर क्या होगा कि वो जो एक एप्लीकेशन है उसमें तो आपको सहूलत है कि आपने वो तमाम चीज़ें आपके पास पहले से अलग अलग मौजूद हैं आप उनको दिखा दी लेकिन जो बाकी चौबीस एप्लीकेशन हैं उनमें आपको उन सबको मिलाना पड़ेगा और फिर एड्रेस बनाना पड़ेगा इसमें आपको कोई पर्टिकुलर बहुत लेबर नहीं करनी पड़ेगी कोई आपको जोरी लगाना पड़ेगा बट दिस इज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी दिस इज एडिशनल प्रोसेसिंग जो आपके बहुत सी एप्लीकेशन में हो रही है लेकिन तो दूसरे केस में आपको एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग जो है वो सिर्फ एक एप्लीकेशन में करनी पड़ रही है आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंगल में और कंपोजिट uh, में क्या फर्क है और किस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए डियर स्टूडेंट्स आप इस चीज से कन्फ्यूज मत होइएगा किसी भी इन्वामेंट में कोई भी एक चीज जो है वो करने के लिए नहीं है बल्कि देर इज ऑलवेज ए होल लॉट ऑफ ऑप्शन यह क्या से सही भी है आपको पता होना चाहिए कि हर चीज के करने के मुख्त तरीके हैं हर तरीके का नुकसान फायदा आपको पता होना चाहिए फिर यह तो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है आपकी अपनी सोच के मुताबिक अपने एनालिसिस के मुताबिक जो चीज़ एक इन्वायरमेंट में बेहतर हो आप उसे अडॉप्ट कर लीजिए आइए आगे चलते हैं दूसरी टाइप जो के एटीट्यूड्स की है वो है सिंगल वैल्यूड एंड मल्टी वैल्यूड इसमें फर्क यह है कि बाज़ा जो आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनकी वैली जो है वो एक वैल्यू होती है लेकिन बाज़ एट्रीब्यूट्स की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं मिसाल के तौर पर अगर आप नाम कहें तो नाम तो जनरली एक ही होता है जैसे मैंने कहा कि असलम बट लेकिन अगर आप देखें जैसे हॉबीज हैं हॉबीज़ जो हैं वो किसी बंदे की मल्टीपल भी हो सकती हैं एक दो तीन किसी की नहीं भी हो सकती किसी की चार पाँच छः भी हो सकती हैं ऐसे अगर आप देखें डिग्रीज या क्वालिफिकेशन तो ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है कि जिसमें लोगों की जो है वो होंगी। तो इस से कुछ एट्रीब्यूट है, है कुछ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स बल्कि अक्सर आपके एट्रीब्यूट ऐसे होते हैं कि जिसकी वैल्यू आपने ऐसा स्टोर की हुई होती है लेकिन बाज एट्रीब्यूट आपके ऐसे भी होते हैं कि जिनकी वैल्यूज को आप ऐसा स्टोर नहीं करते बल्कि आप उनको किसी और एट्रीब्यूट की वैल्यू से डाइव करते हैं मिसाल के तौर पे अगर आपने एक एंट्री टाइप के साथ एसोसिएट किए किया दोनों एट्रीब्यूट डेट ऑफ बर्थ और एज अब डेट ऑफ बर्थ तो आपने उसमें स्टोर कर दी लेकिन एज एट्रीब्यूट को आपने वैल्यू स्टोर नहीं की बल्कि जब भी आप एज एट्रीब्यूट को एक्सेस करते हैं तो वहां पर एक रूटीन है जो कि एज डेट ऑफ बर्थ से वैल्यू लेगा और कैलकुलेट करके आपको एज दिखा देगा तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर्ड वर्सेज डिराइव एट्रीब्यूट्स आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन पे स्लाइड नज़र आ रही है इसमें आप देखें कि आपको एक एंटिटी टाइप का सिंबल नज़र आ रहा है और साथ ही उसको एक आपको एक ओवल शेप नज़र आ रही है ये जो ओवल शेप है ओवल फिगर है दैट इज़ यूज टू रिप्रजेंट एन एट्रीब्यूट इन द आर डाटा मॉडल और ये ध्यान में रखिएगा कि आप हर एट्रीब्यूट के लिए एक ओवल इस्तेमाल करेंगे अगरचे बाज जो अप्रोच हैं उसमें वो उसको इख्तसार के लिए फॉर द ग्रेविटी पर्पजेज वो डिफरेंट एट्रब्यूट्स को एक फिगर में कम्बाइन भी कर देते हैं बट नॉर्मली दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड आप ये करेंगे कि जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं एक एंट्री टाइप के साथ उनमें से हर एक को आप रिप्रेजेंट करेंगे एक ओवल के साथ एंड माइंडेड दिस ओवल इज लिंक्ड विद द एंट्री टाइप जैसा कि आपके सामने नजर आ रहा है अब यहाँ हम ये देखेंगे कि मुख्त तरह के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनके लिए हम कौन कौन से सिम्बल्स इस्तेमाल करते हैं जिन मुख्त टाइप के हमने एट्रीब्यूट्स को अभी पढ़ा है दिस इज यूज फॉर द सिंपल एट्रीब्यूट्स यानी जिसको मैं कहता कि सिंगल वैल्यूड है उसको हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे दिस इज यूज फॉर द कंपोजिट एट्रीब्यूट इसमें आप ये फर्क देखिए कि जैसे मैंने अभी आप आपको पिछले स्लैड में बताया था कि जो आपका एट्रीब्यूट का सिंबल है यानी ओवल दैट वुड बी लिंकड विद एन एंट्री टाइप यानी एक रेक्टेंगल से लिंक होगा बट इन द केस ऑफ ए कंपोजिट एट्रीब्यूट द कंपोनेंट एट्रीब्यूट विल बी लिंक विद द एट्रीब्यूट यानी जो आपका कंपोजिट एट्रीब्यूट है उससे उसके जो कंपोनेंट एट्रीब्यूट है वो लिंक होंगे एंड दिस इज द ओनली केस वेन द ओवल इज नॉट लिंकड विद द रेक्टेंगल रादर एंड ओवल इज लिंकड विद दर ओवल यानी क्या मतलब है कि जो कंपोनेंट आपके एट्रीब्यूट हैं दे आर लिंकड विद द कंपोजिट एट्रीब्यूट और फिर जो कंपोजिट एट्रीब्यूट है दिस विल बी लिंक विद द एंटिटी टाइप जिससे कि ये एसोसिएटेड है ये सिंबल आप इस्तेमाल करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट के लिए जैसे मैंने आपको हॉबी की एग्जांपल दी थी या क्वालिफिकेशन की एग्जांपल दी थी दिस सिंबल इज यूज फॉर द डिराइव्ड एट्रीब्यूट अब जो अगली स्लाइड है इस पे आप देखेंगे कि आपको इन तमाम मुख्तफ जो एट्रीब्यूट टाइप्स हैं उनका लिंक दिखाया गया है एक एंटिटी टाइप के साथ ये आपके सामने एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक एंटीटी टाइप ली हुई एम्प्लॉय इसमें अभी हमने जितनी टाइप के एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उन सबको यहां पर दिखाया गया मिसाल के तौर पर अगर आप देखें एक्सपीरियंस अब एक्सपीरियंस को जो दिखाया गया है वो दिखाया गया है एज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ये ड्राइव होगा ये कैलकुलेट होगा फ्रॉम द एट्रीब्यूट डेट हायर्ड इसी तरह अगर आप देखें एम्प्लॉय आईडी है एम्प्लॉय आईडी डी को चूंकि सिंगल सॉलिड लाइन से शो किया गया है इसका मतलब यह है कि एक तो सिंपल एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे ही इंप्लॉय नेम इसका मतलब यह है कि ये सिंपल एट्रीब्यूट है सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट ऐसे अगर आप एड्रेस को देखें अब एड्रेस यहां पर अगर आप देखें तो वो रिप्रेजेंट हो रहा है एज ए कंपोजिट एट्रीब्यूट क्यों कि इसके जो कम्पोनेट एट्रीब्यूट हैं वह स्ट्रीट और हाउस नंबर और ये जो दोनों एट्रीब्यूट्स के सिंबल्स हैं जो दोनों ओवल्स हैं दे आर नॉट लिंक विद द एंट्री टाइप एम्प्लॉय रादर दे आर लिंक विद द एट्रीब्यूट एड्रेस तो यहां पर जो एड्रेस है इट बिकम्स ए कंपोजिट एट्रीब्यूट जो आपका एम्प्लॉय क्वालिफिकेशन है इट इज बेसिकली ए मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट क्योंकि इसको हमने शो किया हुआ है डबल ओवल के साथ और ऑब्वियसली जैसे आपका डेट हायर्ड है ये भी एक एट्रीब्यूट है जिसमें कि आप देखें कि इसको सिंगल लाइन की ओवल से प्रेजेंट किया गया है इसका मतलब यह है कि यह सिंगल वैल्यूड और सिंपल एट्रीब्यूट है इसके अलावा इसमें अगर आप देखें इसमें थोड़ा सा आपको नेमिंग कन्वेंशन के बारे में अंदाजा हो जाएगा कि जहां पे हमने जो एम्प्लॉय एंटिटी टाइप है उसको तो जो नेम किया हुआ तो उसको हमने कैपिटल लेटर्स में किया हुआ है लेकिन जो आपके पास है जो एट्रीब्यूट के नेम है उसको नॉर्मली जो है वो लोअर केस में किया जाता है रिप्रेजेंट और अगर फर्ज करें वो दो अल्फाज से जैसे मैंने यहाँ पे किया हुआ एम्फ नेम दो अल्फाज से अगर मिलके बन रहा है तो एम्प को हमने लोअर केस में करके जस्ट टू शो कि इसमें दूसरा भी एक वर्ड है इसमें शामिल है तो एन को हमने कैपिटल से कर लिया है तो ये एक रिकमेंडेड कन्वेंशन है जिसको ज़रूरी नहीं है कि आप फॉलो करें डियर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को हम यहाँ वाइंड अप करेंगे जैसा कि आपने देखा ही है कि आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल को ये एक सीमेंटिक डाटा मॉडल है जिसका एक ख़ास इसका फीचर ये है कि ये एक सीमेंटिकली रिच डाटा मॉडल है इसको आप कंसेपचुअल डेटाबेस डिज़ाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं आ, आज हमने इसके कुछ कंस्ट्रक्ट पढ़े हैं जिसमें के था एंटिटी टाइप हमने डिफरेंट एंटिटी टाइप्स पढ़ी, उसके बाद हमने इसका एक और कंस्ट्रक्ट एट्रीब्यूट पढ़ा और हमने उसके मुख्तफ जो टाइप्स हैं एट्रीब्यूट्स के वो भी पढ़ी और फिर ये कि इन फ़र्क क्या है और या फस में लिंक कैसे होते हैं अगले लेक्चर में इनशाला हम जो इसका एक और कंस्ट्रक्ट है रिलेशनशिप उसको डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़